दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली के अस्पताल अब कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसी कड़ी में आज महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने ऑक्सीजन की सप्लाई की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त टिप्पणी की और कहा कि अगर किसी ने भी ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा अटकाई तो लटका देंगे। और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली में महामारी ने ऐसी हाहाकार मचाई है कि जिससे हर तरफ चीख पुकार और लोगों की जान जाने की खबरें आ रही हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, लोग अस्पताल के बाहर बेड्स के लिए लाइन में लगे हैं। अस्पतालों को ऑक्सीजन के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है और इसी कड़ी में आज महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्यों को होने वाली ऑक्सीजन सप्लाई और महामारी को लेकर सवाल पूछा और कहा कि ये दूसरी लहर नहीं है बल्कि एक सुनामी है और अभी भी नए मामलों में तेजी आ रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मई के मध्य में ये पीक पर पहुंच जाएगा। हम इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से कहा है कि आने वाले हफ्तों में नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। ये पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि 22 और 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में भी महामारी को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसपे कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार बिंदुओं पर जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। टीवी लाइव की रिपोर्ट।